नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 20 फरवरी 2021, सुबह का समय है। सुबह के समय की शुरुआत हम लोग अपने करंट अफेयर से रोज ही करते हैं, तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्लासेस शेयर करती रहनी है और आप लोगों को कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, जिसके माध्यम से आप लोग सारे नोट्स को जो भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा बताए जाते हैं इन 10 क्वेश्चन में, कम से कम हम लोग बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को इनमें बनाते हैं और उनमें हम लोग कई चीजों को पढ़ते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर करते रहेंगे और हम अपनी 20 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की आपकी स्क्रीन का जो पहला क्वेश्चन है, रोज की तरह हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बाद में इसकी थ्योरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे लगा हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर है जो आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आईपीएल दोबारा से 2021 के स्टार्ट होने वाले हैं और उनके लिए चेन्नई में नीलामी शुरू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन के अधीन आने वाला एक संगठन है जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सेक्टर को 12,195 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है। तो यहां पर हम लोगों को यह जानना है कि जो आपकी प्रिमिटिव जो योजना दी गई है, जो स्कीम दी गई है, वो स्कीम किसको प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कि आपका इटली के भी है और जॉर्जिया के भी है। दोस्तों तो ऑप्शन में आपके दोनों ही आएंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल Tiger X1 विकसित किया है। ये एक प्रकार का Tiger X1 एक प्रकार का रोबोट है जो दुनिया भर के या अन्य ग्रहों के दुर्गम स्थानों पर भी विचरण कर सकता है। तो इसको किस कंपनी ने बनाया है और किसकी मदद से बनाया है, हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये स्नेकपीडिया ऐप जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये सांपों के संबंध में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो 2020 ओलंपिक जो होने वाले थे वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गए थे, लेकिन इनका नाम टोक्यो 2020 ही रखा गया है, जिनकी अध्यक्ष अभी कोई नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस समय ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारे ब्रिजेस और बहुत सारे जो आपके अंतरदेशीय जो परिवहन सिस्टम शुरू हो रहे हैं उसकी योजना शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जिसमें S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, S&P इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर कहते हैं और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि ग्लोबली पूरी दुनिया में काम करती है और USA की फेडरल रिजर्व जो बैंक है उसने इनको पूरी की पूरी अनुमति दे रखी है। तो उन्होंने कुछ भारत के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने निवासियों को NRS के तहत IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर को प्रेषण यानी कि रेमिटेंस की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों अब दुनिया भर की जो आपकी ग्लोबल मार्केट है वो खुलने वाली है और सारी जो आपकी इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनको पूरी अनुमति दी जा रही है कि वो भारत में भुगतान प्रणाली को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और फटाफट उस पॉइंट्स को लिखेंगे भी। केवल ये वीडियो देखने के लिए नहीं बनाए जाते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप लोगों के लिए कम समय में इतनी करंट अफेयर्स लाई जा रही है तो आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और रोज सुबह आकर पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए पाठशाला रेलवे हमेशा से तत्पर रहा है, जिसमें आपको हर प्रकार की मेहनत हमारी तरफ से दिखाई देती है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आंसर क्या आएगा, यहां पर आंसर है क्रिस मॉरिस। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस जो कि लास्ट ईयर आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे,
यानी कि ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के प्लेयर है जो कि आपकी विराट कोहली की टीम है। तो ये जो आरसीबी है, ध्यान रखिएगा, आरसीबी के प्लेयर थे, लेकिन इस बार जो अभी हाल ही में चेन्नई में नीलामी शुरू हो गई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेन्नई में आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए, चेन्नई में आईपीएल का 14th आईपीएल के लिए जो कि 2021 में होने वाला है, इस आईपीएल के लिए नीलामी शुरू हो गई है। तो दोस्तों नीलामी में इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और क्रिस मॉरिस जो है आपके, जो साउथ अफ्रीका के हरफन मौला खिलाड़ी है जो कि अभी तक आरसीबी की ओर से खेलते थे, इनको खरीदा है किसने? नीलामी में दोस्तों खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने इनको 16.25 करोड़ में खरीदा है, जो अभी तक के इतिहास में आईपीएल के 13 आईपीएल के इतिहास में आज तक कोई भी खिलाड़ी इतना महंगा नहीं खरीदा गया जो कि इस बार क्रिस मॉरिस खरीदे गए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अभी तक आरसीबी के खिलाड़ी थे और अब ये किसे खिलाड़ी के रूप में दिखेंगे, ये अब राजस्थान रॉयल्स यानी ये पिंक ड्रेस में क्या देंगे, दिखाई देंगे, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए बाकी के बारे में आपको मैं बता दूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था फॉफ डुप्लेसिस, जिन्होंने कल ही घोषणा करी है कि ये टेस्ट क्रिकेट से क्या कर रहे हैं दोस्तों, संन्यास ले रहे हैं, ठीक है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 69 टेस्ट मैचेस खेलने वाले ये आपके डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट से क्या कर रहे हैं, ये संन्यास ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आईपीएल की बात की जाती है, तो आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल का संस्करण के लिए जो नियम बना था वो 2007 में बना था, लेकिन दोस्तों पहला आईपीएल जो हुआ था, फर्स्ट आईपीएल 2008 में हुआ, और 2008 में जब ये शुरू हुआ तो इस 2008 में शुरू होने वाले आईपीएल में सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ही जीती थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल में एक ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप बहुत फेमस होती है, जो कि ऑरेंज कैप हमेशा से एक बेस्ट प्लेयर को दी जाती है और पर्पल कैप हमेशा सबसे ज्यादा आईपीएल में विकेट लेने वाले खिलाड़ी को उस टूर्नामेंट के लिए प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इनके बारे में जरूर ध्यान रखा करिए, इस बार का 14वां संस्करण होने वाला है, क्योंकि 2020 में हुआ है वो 13th आईपीएल था, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्लासेस को शेयर भी कीजिए और मन लगा के पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों अगर ये आप लोग बात करें कि एडवाइजरी, यूएनएचआरसी एडवाइजरी के जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, वो कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपके इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आगे की हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा अजय माथुर जी इस समय क्या बने हैं, अभी हाल ही में अजय माथुर जो हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजय माथुर अभी हाल ही में आपकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एडवाइजरी कमिटी में, जो इंडियन कमिटी है, उस कमिटी के क्या बनाए गए हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन एक होता है और दूसरा दोस्तों एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, ध्यान रखिएगा हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना था किस वर्ष में बनाया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 1993 में बनाया गया था, ठीक है, और ये बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, क्लियर है सभी का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अभी अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो एच एल दत्तू जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग एनएचआरसी की बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद अगर इनके बारे में और भी चीजें जानेंगे दोस्तों, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में एक अच्छा पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखिएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने रिटायरमेंट में के तुरंत बाद वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बन जाता है, ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं केवल उन्हीं को ह्यूमन राइट्स कमीशन में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है।
एक और क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष, तो इनका 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये एक तरीके से UNGA की संस्था है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की संस्था है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका गठन सन 2006 में किया गया था और 2006 में जब इसका गठन किया गया दोस्तों तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो जेनेवा में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था, वो जेनेवा में बनाया गया था, इतना क्लियर होगा। और जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के चीफ कौन है, जैसे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चीफ कौन है दोस्तों, आपके HL दत्तू जी हैं। वैसे ही आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो है नजहत शमीम, ठीक है, वो है आपके नजहत शमीम। क्लियर है सभी का, तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए। आप लोगों को एज इट इज आपको एनोटेशन वाले पॉइंट्स दिए जाते हैं और इसी को PDF बनाकर सेव भी किया जाता है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग बाद में भी ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं। तो ये भारत की तरफ से एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके अजय माथुर जी। दोस्तों ये इनकी कमेटी करेगी क्या, तो ध्यान रखिएगा ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन का जो स्पेसिंग हो रही है उसके बारे में, श्रम के बारे में, इन सब बारों में ये क्या करेंगे, अपनी सलाह को UNHRC को प्रदान करेंगे। सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट चीजें देखते हैं दोस्तों। मैरी रॉबिन्सन और पीटर सदरलैंड ये लोग कौन है, तो ध्यान रखिएगा मैरी रॉबिन्सन कौन है दोस्तों, ये आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति है। आयरलैंड की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष है कौन, आपकी मैरी रॉबिन्सन। और दोस्तों पीटर सदरलैंड जो है ये एक आयरिश बिजनेसमैन के रूप में बहुत फेमस भी है, ठीक है, आयरिश का मतलब आयरिश जो आपके आयरलैंड के बिजनेसमैन है, ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को फिर से गुजारिश है कि सभी लोग क्लासेस को शेयर करिए, आपको इतने सारे पॉइंट्स एक साथ प्रदान किए जाते हैं, वो भी हम इस कोशिश में है कि लाइव हम लोग जब जाते हैं तो क्लास थोड़ी लंबी खींच जाती है, तो हम चाहते हैं कि कम समय में आपको करंट अफेयर्स प्रदान कर दें जो आपके लिए रोज बहुत बेनिफिशियल हो आगे के एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सेक्टर को 12,195 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है, तो दोस्तों अगर PLI योजना की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा PLI योजना क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। ये क्या है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है इसके तहत हमारे देश में अभी तक जो भी जितने भी आपके नेटवर्किंग उपकरण बनते थे, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के जो उपकरण बनते थे, वो सारे उपकरण जो दूर संचार और नेटवर्किंग से रिलेटेड थे, जैसे कि मान लीजिए आपके वायरलेस जो उपकरण बनते थे, ये सब हम लोग विदेशी कंपनियों से आयात करते थे। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी योजनाएं भारत में ही शुरू हो रही है, तो इसके तहत प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम स्टार्ट की गई है जो कि हमारी केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है। इस लिंक्ड स्कीम के तहत दोस्तों क्या है, दूर संचार यानी कि आपका इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है या दूर संचार है, दूर संचार और जितने भी नेटवर्किंग उपकरण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपको वायरलेस जो उपकरण होते हैं, इसको बनाने के लिए और इसका घरेलू निर्माण करने के लिए, इसका मतलब होम प्रोडक्शन करने के लिए दोस्तों कुछ कंपनियों को इस बात का अनुबंध दिया गया है जो कि भारत में ही क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इनके होम प्रोडक्शन की बात अगर करेंगे तो इनके होम प्रोडक्शन का कार्य दिया गया है गीगाबिट पासिव, गीगाबिट पासिव ऑप्टिकल नेटवर्क को इसका काम प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो डेन जो वेवलेंथ नेटवर्क देने वाली कंपनी है उसको भी इसका काम प्रदान किया गया है। तो यहां पर डेंस जो नेटवर्क वेवलेंथ जो कंपनी है इसको भी इसका काम प्रदान किया गया है कि आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे भारत में और ऐसे दूरसंचार से संबंधित उपकरण बनाएंगे जो होम प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
गीगाबिट पासिव ऑप्टिकल नेटवर्क और आपका डेंस नेटवर्क वेवलेंथ जो ये है, इनको काम दिया गया है होम प्रोडक्शन में नेटवर्किंग उपकरण बनाने के लिए, जिसके लिए स्कीम लागू की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जिसके लिए भारत सरकार ने 12,195 करोड़ रुपए क्या किए हैं दोस्तों, खर्च किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत ही लागू हुई है। ठीक है, गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि आप लोग क्लास को एक बार फिर से शेयर करते रहिए और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस देश के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जॉर्जिया के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल ही में क्या दिया है, इस्तीफा। कोविड 19 के समय में दोस्तों देखें तो अभी हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दिया था, जो कि अपने देश को वित्तीय संकट में छोड़कर क्या हो गए, त्यागपत्र देकर चले गए। तो इसी प्रकार से आपके जो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री है दोस्तों, जियोर्गी खगरिया, ध्यान रखिएगा जॉर्जिया के प्रधानमंत्री का नाम है जियोर्गी खगरिया, तो इन्होंने क्या किया है, अभी अपने देश के प्रधानमंत्री के पद से क्या दे दिया है दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है। तो क्यों प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, ध्यान रखिएगा इन्होंने किसी विवाद में ये फंसे हैं दोस्तों। जो विवाद है वो ये है, जो इनकी विपक्षी पार्टी है जो कि आपकी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट है, आपकी जॉर्जिया की जो विपक्षी दल है यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, उसके जो अध्यक्ष है दोस्तों जिनका नाम है निका मालिया, उनको इन्होंने ही गिरफ्तार करवाया है। और इनको गिरफ्तारी कराने की वजह से, जो निका मालिया को इन्होंने गिरफ्तार करवाया उसकी वजह से इनकी खुद की जो टीम है उसमें मतभेद उत्पन्न हो गए हैं कि इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए था। तो अपनी टीम से ही रुष्ट होकर आपके जियोर्गी खगारिया ने क्या दे दिया है, इन्होंने दोस्तों त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, और त्याग पत्र क्यों दिया, जो यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट जो पार्टी है जो कि विपक्षी दल की है, इसके जो दोस्तों चीफ थे जिनका नाम है निका मालिया, निका मालिया को गिरफ्तार करने के वजह से, ठीक है, और इनको गिरफ्तार करने की वजह से इनकी टीम में ही क्या हो गए, इनकी टीम में ही मतभेद क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये रुष्ट हो गए और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जियोर्गी खगरिया जो कि जॉर्जिया के क्या है, प्रधानमंत्री है। दोस्तों अगर जॉर्जिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो करेंसी है जॉर्जिया की करेंसी है लारी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी है, रशिया की क्या है, रूबल है, जापान की क्या है, येन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जॉर्जिया की बात करेंगे तो तबलिसी इसकी राजधानी है, तबलिसी इसकी राजधानी है, कैपिटल है, और इनकी जो करेंसी है वो लारी है, या जॉर्जियन लारी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है सभी का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर इटली की बात करें तो अभी हाल ही में इटली के नए जो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मारियो द्रागी। अभी जनवरी के महीने में ही ऐसा कुछ बवाल हुआ जब आपके इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया था, तो इटली के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्रागी। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया था, क्योंकि वो कोविड 19 के समय में अपने देश को वित्तीय संकट से नहीं बचा पाए, तो इससे वो खुद से परेशान हुए और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, नेपाल की, जो कि एवरेस्ट के लिए बहुत फेमस है, और इसी नेपाल के काठमांडू में हमारे दक्षेस यानी कि हमारे सार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय भी बना हुआ है। दोस्तों बात करेंगे अगर नेपाल की तो ध्यान रखिए नेपाल के केपी शर्मा ओली क्या है, राष्ट्राध्यक्ष केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है। क्लियर हो गया सभी का, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को ऐसे सप्लीमेंट के रूप में आप उसी क्वेश्चन में तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट की जो पार्टी है उसके निका मालिया को गिरफ्तार करने के विरोध में इनकी टीम में मतभेद हुआ और जियोर्गी खगरिया ने त्याग पत्र दे दिया है। क्लियर है सभी का, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए ताकि इस क्लास को अच्छे से बढ़ाया जा सके। जैसे लाइव में तो फिर भी लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप जो रिकॉर्डेड क्लास है आप ही के लिए बनाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 विकसित किया है? तो मैं आपको सर 200 बता दूं, ध्यान रखिएगा ये जो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है जिसको टाइगर X1 कहा गया है, ये जो व्हीकल है ये एक टाइगर के शेप का ही एक बहुत बड़ा सा रोबोट के शेप का बनाया गया है, एक रोबोट ही है जो कि पृथ्वी पर भी और अन्य ग्रहों पर भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर चल सकता है जो कि बहुत बड़े संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकता या इंसान के जाने का बहुत खतरा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इस रोबोट को व्हीकल को तैयार किया है किसने? ह्यूंडई कंपनी ने स्टार्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ह्यूंडई मोटर कंपनी ने अभी हाल ही में एक आपकी यूएसए बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है ऑटोडेस्क, ठीक है। ऑटोडेस्क जो कि यूएसए बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इस कंपनी के साथ मिलकर ह्यूंडई मोटर कंपनी ने एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल तैयार किया है जिसको नाम दिया गया है टाइगर एक्स वन। दोस्तों अगर टाइगर एक्स वन नाम की स्पेशलिटी देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, टाइगर एक्स वन की जो स्पेशलिटी है वो है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्साइटेशन रोबोट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्साइटेशन रोबोट, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका फुल फॉर्म बनाया गया है और जो कि जिसके नाम से इसका नाम पड़ा है टाइगर। दूसरा इनका जो एक्स वन है, ये इनके जो प्रयोग किए गए थे उसका कोड है जिसको एक्स वन कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑटोडेस्क कंपनी जो है ये यूएसए की है और सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने ह्यूंडई के साथ मिलकर ऐसा आपका अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल तैयार किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये पृथ्वी पर भी और अन्य ग्रहों पर भी ये आराम से ऐसे दुर्गम स्थानों पर चल सकता है जिस पर आम इंसान नहीं जा सकता या उसके लिए खतरा है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये आपका अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर एक्स वन है। दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग टाटा की, तो आपको मैंने पहले भी बताया है टाटा मोटर्स जो कंपनी है 1945 में मुंबई में स्थापित की गई थी जेआरडी टाटा जी द्वारा। दोस्तों मारुति सुजुकी और ह्यूंडई की अगर बात करेंगे तो मारुति सुजुकी के बारे में ध्यान रखिएगा, पहले भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा है। मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में मुंबई में की गई थी और ये हमारी स्वदेशी कंपनी है, ठीक है। ये स्वदेशी मोटर कंपनी है जिसके जो चेयरमैन है आरसी भार्गवा है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है आरसी भार्गवा है जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त है। दोस्तों अगर ह्यूंडई कंपनी की बात करेंगे तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था इसका मुख्यालय सियोल में है जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। इस साउथ कोरियन कंपनी को बनाने में कहीं ना कहीं जापान का भी हाथ रहा है। तो ह्यूंडई कंपनी जो है ये कंपनी आपकी 1967 में सियोल में स्थापित की गई थी। और दोस्तों अगर इसके चीफ की बात करेंगे तो इनके जो चीफ है वो चुंग मुंग है, ठीक है। तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा चुंग मुंग इसके क्या है चीफ है। दोस्तों चुंग मुंग या चुंगमुई जैसे भी आप लोग अगर हंसने के पर्पज से अगर आप लोग बना सकते हैं तो ऐसे नाम याद कर लिया करिए, चुंग मुंग इसके क्या है चीफ है ह्यूंडई कंपनी के। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी के बारे में भी हमने जान लिया और ह्यूंडई मोबिलिटी कंपनी जो है आपकी अल्टीमेट मोबिलिटी कंपनी जो व्हीकल बनाया गया है टाइगर एक्स वन, ये व्हीकल के बारे में खबर है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में इस प्रकार के जो काम है जो आपका स्नेकपीडिया ऐप लॉन्च किया गया है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, केरल के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर, केरल के जो आपके लोकल साइंटिस्ट हैं, कुछ फोटोग्राफर्स ने मिलकर और कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर इस प्रकार का एक स्नेकपीडिया ऐप बनाया। दोस्तों यहां पर बात की गई किसकी, साइंटिस्ट की भी बात की गई, यहां पर बात की गई फोटोग्राफर्स की और यहां पर बात की गई डॉक्टर्स की। ये जो ऐप है दोस्तों, जो आपका मोबाइल ऐप है, इस ऐप की जो मेन खासियत है वो ये है, दुनिया में जो सांपों को लेकर भ्रांतियां हैं या जो भी आपके जो गलत फहमियां लोगों के दिमाग में रहती हैं, फेक दिमाग में कि सांप के काटने से आदमी मर जाता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में 99.9% जो सांप होते हैं दोस्तों वो जहरीले नहीं होते हैं। केवल सांप के काटने से इंसान की मनस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि उसको जहर फैल रहा है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। जनरली आपको मैं बता दूं 99.9% सांप दुनिया में ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं और इंसान की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हार्ट अटैक से होती है। वो डर की वजह से ऐसा हो जाता है, उसके हार्ट के टिश्यू ब्रेकेज कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, दुनिया में जो सबसे ज्यादा जहरीले सांप है उनमें आपका कोबरा आता है। कोबरा के साथ साथ आपका एक राटल स्नेक भी आता है जिसके मुंह में जहर ना होकर उसके पूंछ में जहर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो साइंटिस्ट ने, फोटोग्राफर्स ने और डॉक्टर्स ने मिलकर एक स्नेकपीडिया ऐप बनाया है। ये स्नेकपीडिया ऐप केरल के साइंटिस्ट लोगों द्वारा बनाया गया है। अब इस ऐप की खासियत क्या है दोस्तों, ये सांपों की जांच करेगा,
विभिन्न प्रकार के सांपों की क्या करेगा, जांच करेगा। इसके साथ साथ ये जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस व्यक्ति को डॉक्टर, उस व्यक्ति का इलाज करने वाले डॉक्टर की हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर के, डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज में उसकी हेल्प करेगा, डॉक्टर को इस बात की हेल्प करेगा कि वो क्या करे जो इस व्यक्ति के बारे में पहले उसका सर्पदंश देखा जाए कि उसको सांप ने काटा है तो जहर है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मदद करने की बात है। तो ये आपका एक अलग ही प्रकार का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि आपका केरल की गवर्नमेंट ने इसको लीगल भी करार दिया है। सभी का क्लियर है? तो ये आपका है स्नेक मीडिया मोबाइल ऐप। दोस्तों अगर केरल की बात करेंगे तो केरल में अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े काम हुए, जैसे केरल में अभी नेचुरल गैस की पाइपलाइन स्टार्ट हुई है आपकी कोची से लेकर मंगलूर कर्नाटका तक। दोस्तों अगर बात करेंगे ये गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। दोस्तों अगर केरल की बात करेंगे तो केरल में ही आपका अल्लापुजा में संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जो कि वहां पर क्या है, जो कि वहां पर मजदूरों के प्राचीन आंदोलनों की कहानी के बारे में उसको बताएगा। दोस्तों अगर केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई जी क्या है, केरल के मुख्यमंत्री हैं, और बाकी जो वहां के राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद जी है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जो टोक्यो 2020 है यानी कि जापान से रिलेटेड है, तो जापान की एक मंत्री है जिनका नाम है सिको होशिमोतो। ध्यान रखिएगा, सिको होशिमोतो जापान की जो कैबिनेट है, जापान की कैबिनेट में यहां पर ये मंत्री पद पे रखी गई है, जहां पर ये मंत्री ही बनी है ओलंपिक मंत्री। ध्यान रखिएगा, इस बार का जो ओलंपिक का काम है वो सारा का सारा सही तरीके से हो, इसके लिए ये काम दिया गया है दोस्तों किसको, सिको होशिमोतो को। तो उसके लिए जो संचालन समिति बनी है उस संचालन समिति की अध्यक्ष भी यही बनाई गई है, और इनका काम है इस बार का टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है आपका 2021 में, उसका पूरा संचालन यही इन्हीं के नेतृत्व में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर सिको होशिमोतो की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जेंडर इक्वालिटी के विभाग की अध्यक्ष भी है। वहां के जापान का जो जेंडर इक्वालिटी यानी कि लिंग समानता और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के विभाग की अध्यक्ष भी है, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट विभाग की अध्यक्ष भी है, ये विभाग भी इनके हाथ में है। दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विभाग, जिसकी हेड कौन है, सिको होशिमोतो है, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बात करें हम लोग एलन मस्क की और जेफ बेजोस की, तो आप सभी को पता है इनके बारे में कि एलन मस्क क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की नासा एजेंसी के लिए काम करने वाली ये एजेंसी है जो कि नासा के लिए सैटेलाइट्स और उपकरण बनाती है। तो स्पेस एक्स जो यूएसए की स्पेस उपकरण निर्माण कंपनी है उसके सीईओ जो है वो कौन है, एलन मस्क है। दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस क्या है भाई, आप सभी को पता है ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ क्या, अमेज़न। तो अमेज़न के फाउंडर और चीफ के रूप में जेफ बेजोस कार्यरत है, जिन्होंने अभी त्यागपत्र भी दे दिया है, ठीक है। अभी ही हाल में इन्होंने सीईओ के पद से त्यागपत्र दिया है। तो जेंडर इक्वालिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट विभाग की भी अध्यक्ष है, और ये आपकी जापान की कैबिनेट की ओलंपिक मंत्री है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर जापान के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो जापान के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, योशिहिदो जापान के राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है। जापान के अगर मुख्य आपकी कैपिटल की बात की जाए तो जापान की कैपिटल दोस्तों क्या है, टोक्यो है। ध्यान रखिएगा, जापान की अगर स्पेस एजेंसी की बात की जाएगी तो जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है दोस्तों, जाक्सा है, जो कि 2003 में स्थापित हुई थी। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि उसकी जाक्सा जो एजेंसी है वो लकड़ी की सैटेलाइट बना रही है अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए, ठीक है, जो कि पर्यावरण से वो दूषित नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जापान की अगर करेंसी की बात करेंगे तो जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी येन है, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो ये सारे आपके पॉइंट किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपके जापान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यहां पर आपको इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र से ही समझ में आ गया होगा कि योजना किस राज्य की है। ये योजना असम राज्य की है, और सबसे बड़ी बात कि असम राज्य में ये योजना में जो भी हुआ होगा, इसमें जो शिप का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर शिप ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जहां भी ब्रिजेस बने हैं, वो सारे के सारे आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाली जो परियोजना, जो स्कीम शुरू हुई है दोस्तों, उसी को महाबाहु ब्रह्मपुत्र स्कीम कहा गया है। अब दोस्तों अगर इसके बारे में जाने हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम जो हुआ है वो आपका धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज बन रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धुबरी के बारे में अगर बात करेंगे तो अगर मैं असम हूं तो इस साइड में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और असम का जो बॉर्डर है दोस्तों, उस बॉर्डर का जो सबसे अंतिम जिला है हमारे भारत का, वो धुबरी है। ठीक है, तो धुबरी असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है, और यहां से फूलबाड़ी नाम की एक जगह है, फूलबाड़ी, जो कि आपका मेघालय बॉर्डर पे पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, असम और मेघालय के बीच एक ब्रिज डाला जा रहा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, इसको बोला गया है धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज। तो धुबरी फूलबाड़ी जो ब्रिज है, ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बन रहा है, और इसकी आधारशिला अभी हाल ही में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने रखी। धुबरी आपका असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है, फूलबाड़ी आपका मेघालय में पड़ता है, तो यहां पर एक ब्रिज स्थापित हो रहा है जिसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे के पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था एनालिसिस वगैरह में कि माजुली आपका भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। जोरहाट के निकट आने वाला यह माजुली जो आइलैंड है 880 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका माजुली आइलैंड जो है, माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसी में माजुली आइलैंड पर माजुली ब्रिज का निर्माण हो रहा है जो कि हो चुका है। इसका भूमि पूजन भी अभी हाल ही में इसी योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, माजुली 880 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ एक जिला है जो कि माजुली के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे आगे इसमें क्या हुआ है, इस योजना में ये जो स्कीम है महाबाहु स्कीम, इसमें रो पैक्स ऑपरेशन, शिप ऑपरेशन, तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक शिप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, इसका नाम रखा गया रो पैक्स, शिप का संचालन शुरू हो रहा है, और ये असम में कई अलग अलग स्थानों पे शुरू किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो योजना है दोस्तों, इस योजना में जो भी काम हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को जापान की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन और जो पूजन हो रहे हैं वो सारे के सारे जापान की मदद से किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रोपैक्स शिप की अगर बात करें, इसका जो संचालन है, इसका संचालन नेमाती घाट तीन जगह पर है। इसका एक संचालन नेमाती घाट में है, और ये नेमाती घाट माजुली के पास पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर नेमाती घाट से माजुली आइलैंड तक ये इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जाएगा इस शिप का। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ से लेकर साउथ असम तक इसका ट्रांसपोर्टेशन चलाया जाएगा, और इसके बाद आपका जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरा, धुबरी से ये स्टार्ट होगा और ये हत्सिंग गमरी तक चलेगा। ठीक है, ये धुबरी से जो बॉर्डर है, धुबरी से हत्सिंग गमरी तक ये चलाया जाएगा। तो दोस्तों इस शिप को तीन अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है, जहां पर ट्रांसपोर्ट में ये निमाती घाट से माजुली तक चलेगा, नॉर्थ से साउथ असम को जोड़ेगा, और ये धुबरी से हत्सिंग गमरी तक ये क्या करेगा, इस शिप का पर्यावरण प्रचलन शुरू किया जाएगा, यानी इनका परिवहन प्रारंभ किया जाएगा। ये सारी योजनाएं दोस्तों महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना के अधीन है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि असम का जो सबसे लंबा रेल या रोड ब्रिज कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी सबसे लंबा नहीं है। मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा उसको, बोगी बील। ठीक है, बोगी बील ब्रिज जो है वो आपका असम का सबसे लंबा ब्रिज है। ठीक है, बोगी बील ब्रिज, क्लियर है सभी का? तो ये आपका बोगी बील ब्रिज असम का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, और रोड और रेल दोनों ही है, मतलब दोनों एक साथ है, एक तरफ से रोड है, एक तरफ से रेल परिवहन है।
उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, इन्हीं के साथ साथ एक ब्रिज और बना हुआ है इंडिया में, जिसको धौला सादिया ब्रिज कहा गया है, और धौला सादिया ब्रिज आपका असम को अरुणाचल से जोड़ता है। तो ये वाला दोस्तों जो है धुबरी फुलबाड़ी है, ये मेघालय और आपका असम में हो गया, और पश्चिम पूर्वी साइड में देखेंगे तो धौला सादिया ब्रिज हो गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो इस तरीके से सभी लोग क्लास को पढ़ते भी रहेंगे और मन लगा के क्लास में नोट्स भी बनाते रहा करिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जहां पर प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। इनर लाइन परमिट के बिना आप अरुणाचल और नागालैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। मैं आपको इनके बारे में अभी बता दूंगा, पहले आप जान लीजिए। आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है, इस रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए बोला है कि भारत अगले वर्ष यानी कि अगला जो वित्त वर्ष आने वाला है, इस वित्त वर्ष में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10% की दर से बढ़ेगी, जो कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को फिर से लेकर आएगी। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से बनेगा जो चंद देश कोविड के बाद बहुत तेजी से उभरे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से भारत में अब निवेश कार्य शुरू किया जाएगा जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शन हटेंगे। तो उसके बाद S&P ने भारत के लिए ऐसा बोला है कि 10% की दर से भारत की क्या होने वाली है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर S&P की हम लोग बात करें तो ये, इसको मैं बता देता हूं, S&P इसके साथ साथ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और है, उसको बोलते हैं मूडीज रेटिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ एक रेटिंग एजेंसी और है जिसको बोलते हैं फिच रेटिंग एजेंसी। इसके साथ साथ दोस्तों दुनिया में एक और बहुत फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिसिल। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, दुनिया की सबसे पुरानी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये आपकी S&P है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर। ध्यान रखिएगा, हेनरी पुअर नाम का एक अमेरिकन था जिसने इस रेटिंग एजेंसी को स्टार्ट किया था, तो उसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, पुअर नाम की रेटिंग एजेंसी पड़ गई, जिसको स्थापित किया गया था 1867 में, ये USA में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी S&P है जो कि दुनिया की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्लियर हो गया सभी का? उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका S&P हो गया, इसके बाद आपकी मूडीज, तो आपको मैं बता दूं टॉम मूडीज नाम के एक और आपके अमेरिकन थे जिन्होंने अपने ही नाम पर मूडीज रेटिंग एजेंसी स्थापित की थी, और ये रेटिंग एजेंसी स्थापित हुई थी 1909 में। ठीक है, ये कब स्थापित हुई थी, 1909 में, और आपने कभी नाम सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस पर ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही इसका क्या है मुख्यालय बना है, जो कि आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद दोस्तों आती है फिच रेटिंग एजेंसी जो है, ये भी आपकी USA बेस्ड है, और ये बनी थी दोस्तों 1914 में। ठीक है, तो ये भी आपकी USA बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है उसमें S&P, मूडीज एंड फिच आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों रेटिंग एजेंसियों को फेडरल रिजर्व, जैसे हमारी रिजर्व बैंक है उसकी तरह अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, उनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्या करती हैं, दुनिया भर की कंपनियों को, दुनिया भर के देशों को आने वाले फ्यूचर में उनकी रेटिंग करती हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर कि फ्यूचर में उनका क्या होने वाला है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होने वाली है। एक रह गई है दोस्तों क्रिसिल। ध्यान रखिएगा, क्रिसिल जो है 1987 में, 1987 में क्रिसिल नाम की रेटिंग एजेंसी स्थापित की गई थी, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्रिसिल है, क्रिसिल जो है ये आपकी S&P की इकाई है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर की इकाई है जो कि अमेरिका बेस है, ये इकाई के रूप में काम करती है भारत में। ठीक है, तो क्रिसिल आपकी सब्सिडियरी है S&P की, तो ये आपकी भारत में वर्क करती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में है, चूंकि मुंबई भारत की इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज तरीके से आप लोग याद रखा करिए, इससे ज्यादा एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसने निवासियों को LRS के तहत IFSCs को प्रेषण करने की अनुमति प्रदान कर दी है?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर LRS क्या है, पहले हम ये देखेंगे LRS क्या है दोस्तों। इसको बोलते हैं लिबरल रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। ये लिबरल रेमिटेंस स्कीम क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि लिबरल रेमिटेंस स्कीम, रेमिटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रेषण। और प्रेषण भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूं, प्रेषण का मतलब होता है किया गया भुगतान, जो किया गया धन का जो भुगतान होता है, धन की जो निकासी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेमिटेंस कहते हैं। अभी COVID-19 के समय में भारत सरकार ने और इवन RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, RBI ने जितनी भी IFSC होती है, जिनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर, तो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर जो विदेशी देशों का व्यापार या कारोबार हमारे देश में चल रहा था, उस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स को भारत में भुगतान करने के लिए RBI ने रोक लगा दिया था कि COVID-19 के दौरान किसी प्रकार का हमारा करेंसी का भुगतान निवासियों के माध्यम से नहीं होगा। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया है और RBI ने IFSC जितने भी इंडिया में काम कर रहे हैं, इन सभी को जो इंडियन रेसिडेंस है, जो इंडियन रेसिडेंट का मतलब जो भारतीय निवासी है, इनका जितना भी भुगतान है उस भुगतान के लिए अनुमति प्रदान कर दी है कि इंडियन रेसिडेंट को क्या करना, प्रेषण बनाने का अनुमति दे दी है। प्रेषण बनाने की अनुमति देने का मतलब है कि अब इंडियन जो रेसिडेंट है या भारतीय जो निवासी हैं, उनको धन के भुगतान की अनुमति मिल गई है, किसके तहत, IFSC के तहत। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी बताया, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो बोला है कि अगले साल तक भारत की अर्थव्यवस्था 10% तक वृद्धि करेगी, वो यही है। जैसे जैसे पैसे का फ्लो स्टार्ट होगा, लिक्विडिटी स्टार्ट होगी, ये IFSC के माध्यम से जो धन की निकासी और धन का भुगतान आदान प्रदान जो शुरू होगा हमारे इंडियन रेसिडेंट्स के बीच में, तो ध्यान रखिएगा इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ करेंसी स्टार्ट होगी, और जहां तरलता होती है दोस्तों वहीं आपकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, बढ़ने लगती है। क्लियर है सभी का? तो ये आपका उद्देश्य है IFSC में वित्तीय बाजारों को गहरा करना और इन वित्तीय बाजारों को गहरा करके धन की निकासी को प्रारंभ करवाना, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट तभी खुलेगी जब ये सारे IFSC को भारत में भुगतान करना का मौका देगा कौन, RBI, तो वो शुरू हो चुका है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करेंगे LIC और SBI की, LIC और SEBI की, तो ध्यान रखिए SEBI क्या है दोस्तों, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन और संचालन 1992 में किया गया था, 1992 में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं, SEBI की एक्चुअल स्थापना तो 1988 में हुई है, लेकिन वास्तविकता में इसके लिए बोला जाता है कि ये कार्य जो इसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है वो 1992 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी मुंबई में है, और ये क्या है दोस्तों, ये बाजार नियामक है। जिस तरीके से दोस्तों बाजार नियामक का मतलब होता है मार्केट रेगुलेटर, तो मार्केट रेगुलेटर के रूप में काम करती है कौन, SEBI। और RBI जो दोस्तों है, RBI क्या है, ये धन का रेगुलेटर है, ठीक है। जो धन की जो आपका मुद्रा का रेगुलेटर या मुद्रा की निकासी जो होती है, मुद्रा का निर्माण या आपका जो करेंसी रेगुलेशन होता है वो कौन करता है, आपका RBI करती है, ठीक है। और वैसे ही SEBI आपकी मार्केट की रेगुलेटर है, शेयर मार्केट के लिए सारे नियमों का निर्माण करना किसका काम है, SEBI का होता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग किसकी बात करें, LIC की बात करते हैं, तो LIC की बात करेंगे तो LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में भारत के, इसके पास दो प्रकार के इंश्योरेंस थे, एक तो आपका जीवन बीमा है और एक का सामान्य बीमा है, जो कि आपके वस्तुओं के आधार पर आता है, ठीक है। तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और MR कुमार, ध्यान रखिएगा MR कुमार इसके क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय भी मुंबई में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि इसका जो गठन हुआ था वो किस तारीख को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 सितंबर को LIC दिवस मनाया जाता है, 1956 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज की आपकी करंट अफेयर्स, कल फिर से मैं आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आपके लिए बनाऊंगा, लेकर आऊंगा, तो सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स में। और इस तरीके से आपकी सैटरडे संडे को भी रेगुलर क्लासेस आप लोग की लगेगी करंट अफेयर्स की, ताकि आपका कोई भी दिन नहीं छूटे। बहुत जल्दी आप लोग के लिए करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स जो जनवरी का है वो हम किसी भी एक भी वीकेंड को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।